बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी का टिकट मिला है। आज फडणवीस से मुलाकात करेंगी नवनीत राणा। दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगी। अमरावती की सेवा का फल मिला नवनीत राणा की ओर से, यह कहा गया। आपको बता दें कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको टिकट भी दे दिया गया है अमरावती से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पहले वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी थी, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी से मिली टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ रही हैं। उनके नाम का ऐलान भी हो गया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत ने बीजेपी का नारा दोहराया, अब की बार 400 पार। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया है। अब की बार अमरावती में क्या खिलेगा, अमरावती में क्या खिलेगा, देश में क्या खिलेगा, अब की बार, अब की बार जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अमरावती में क्या खिलेगा। तो ये वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो नवनीत राणा ने पोस्ट किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने अमरावती सीट से नवनीत राणा को टिकट दिया है। टिकट कंफर्म होने के बाद नवनीत राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और साथ ही भरोसा जताते हुए बीजेपी आला कमान का आभार भी जताया है। पहले टिकट कंफर्म, फिर हाथ में थामा कमल, बीजेपी की 7वीं लिस्ट, नवनीत राणा की सीट फिक्स। तमाम उधेड़ बुन के बीच आखिरकार बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती से टिकट दे ही दिया। अब तक अमरावती से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली नवनीत राणा अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नवनीत राणा ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया और जीत का पूरा भरोसा भी दिया। आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है, उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली, और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावन खुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूँगी। तो हमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का सपना और इस देश के लोगों का सपना अमरावती कर पूरा करेंगे, और अब की बार 400 पार और उसमें एक अमरावती होगा, इतना मैं जरूर आपको कह सकती हूँ। निर्दलीय सांसद रहते हुए भी बीजेपी की तरफ नवनीत राणा का झुकाव किसी से छिपा नहीं। कई ऐसे मौके आए जब नवनीत राणा खुलकर बीजेपी के साथ नजर आई। अब जब बीजेपी से नवनीत को टिकट मिल गया है, वे कहती हैं पीएम मोदी ने अमरावती की आवाज सुनी है और लक्ष्मी के हाथ में कमल थमा दिया है। जो अमरावती करों के आंखों में मैंने पढ़ा है कि उनको उनकी लक्ष्मी के हाथ में कमल चाहिए था, आज मेरे अमरावती करों के जो सपना और जो आंखों में, क्योंकि जब से लोकसभा हुई है, जब से लोकसभा शुरू हुई है, तब से अमरावती में कमल का सिंबल ये आज तक कभी बैलेट पे नहीं आया, ये पहली बार है। नवनीत को टिकट देने को लेकर बीजेपी में असमंजस की स्थिति देखी गई। कुछ लोग अमरावती से बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देने के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने नवनीत राणा पर पूरा भरोसा जताया। अब हम आपको बताते हैं कि एक निर्दलीय सांसद से नवनीत राणा का बीजेपी प्रत्याशी बनने का आधार क्या रहा। वजह नंबर एक, बीजेपी के प्रति नवनीत राणा का झुकाव। वजह नंबर दो, हिंदुत्व का फेमस चेहरा। वजह नंबर तीन, अमरावती के लोगों के बीच नवनीत की पैठ। वजह नंबर चार, नवनीत राणा में है विनिंग फैक्टर का दम। वजह नंबर पांच, पीएम मोदी की नीतियों की करती रही है तारीफ। और मोदी जी के विचारों पे ही मैंने गए कितने सालों से एज ए खासदार करके काम किया, बहुत सारा सपोर्ट मेरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, और उनके विचार इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं ये हम सभी को पता है। फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नवनीत राणा महाराष्ट्र की सियासत में एक जाना माना नाम है। राजनीति में आने से पहले नवनीत राणा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का सिक्का जमा चुकी है।
फिल्मों में आने से पहले नवनीत राणा मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो भी किए। 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था नवनीत राणा का जन्म। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। 3 फरवरी 2011 को विधायक रवि राणा से नवनीत की शादी एक सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी। बाबा रामदेव की संस्था की ओर से आयोजित इस समारोह में 3,720 जोड़ों ने हिस्सा लिया था। ये समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नवनीत राणा की मराठी समेत कुल 5 भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। वो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी समेत पंजाबी और तेलुगु भी बोल लेती हैं। जाहिर है भाषा के इस पकड़ पर उनके अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में गुजरे दिन का अहम योगदान है। राजनीति में नवनीत राणा की एंट्री में उनके पति ने अहम भूमिका निभाई। रवि राणा साल 2009 से ही अमरावती के वडनेरा सीट से विधायक हैं। एनसीपी के टिकट पर नवनीत राणा ने 2014 में पहली बार अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 में एनसीपी ने उन्हें फिर से अमरावती से अपना टिकट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और निर्दलीय इस सीट पर उतर गए। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और वे बड़े अंतर से जीत गए। अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ रहा है। 1999 से 2019 तक शिवसेना लगातार यहां से जीत रही थी, लेकिन शिवसेना का विरोध कर नवनीत राणा अब अमरावती का चेहरा है। नवनीत राणा सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा ने अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इस मौके पर नवनीत राणा भी अपने पति के साथ पहुंची, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा था और राणा कपल के घर के बाहर खूब प्रदर्शन किया था। हालांकि इस विरोध और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी राणा कपल के सुर मंद नहीं हुए। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को भूल चुके हैं और अपनी राह भटक कर अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र और यहां की जनता का नुकसान हो रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना करते हुए नवनीत राणा और उनके पति बीच बीच में मोदी सरकार की तारीफ करते रहे। अभी मैंने एक ओबीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है सर। पीएम मोदी की तारीफ से नवनीत राणा का बीजेपी के साथ उनके संबंधों में मजबूती आई और इसका इनाम उन्हें अब अमरावती से बीजेपी के टिकट के रूप में मिला है। टीम न्यूज़ नेशन।